मौलाना रूम इस मसले को यूं समझाते हैं, फरमाते एक मरतबे चीनी और रूमियों के कारीगरों में रेस लग गई। चीनी कहते थे कि हम बहुत बड़े कारीगर, रूमी कहते थे हम बहुत बड़े कारीगर। ये बादशाह के दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने कहा तुम्हारे दावे पर दलील क्या? बादशाह ने कहा सुनो, मैं एक तुम्हारे लिए कमरा मुतय्यन करता हूं और बीच में पर्दा डालता हूं, तुम्हें भी कुछ मटेरियल दूंगा, तुम्हें भी कुछ मटेरियल, तुम दोनों अपनी दस्तकारी दिखाना, 15 दिन या महीने के बाद हम बीच से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि तुमने क्या बनाया और तुमने क्या बनाया। दोनों पार्टियां इस पर राजी हो गई। मौलाना रूम कहते हैं बादशाह ने बीच में पर्दा डाल दिया। इनसे पूछा चीनियों से तुम्हें क्या चाहिए आपको समझाने की? इन्होंने कहा कि देखिए हमें जनाब चाहिए सीमेंट, काला सीमेंट इतना चाहिए, सफेद इतना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये चाहिए, एक थापड़ी चाहिए, हथौड़ी चाहिए, छेनी चाहिए, पेचकस चाहिए, तराशने के औजार चाहिए, 150 औजार और जनाब मटेरियल मांग लिया। सब बादशाह ने मुहैया किया। रूमियों से कहा तुम्हें क्या चाहिए? इन्होंने तो सारी फेरिस दे दी जोड़िया बाजार कि ये चाहिए, ये चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। घरों का मुकाबला है दस्तकारी का, तुम कह रहे हो हमें कुछ नहीं चाहिए, मुकाबला करते तो पता लगेगा जब मुकाबला हो, कुछ नहीं चाहिए हमें। हैरान रह गया बादशाह, बीच में पर्दा डाला। ये सब कारीगर अपनी कारीगरी में लग गए और रूमियों ने क्या होशियारी की, इधर की जो सामने की दीवार, इस दीवार पर सारे कारीगर लग गए और दिन रात इसको रिगड़ते रहे, रिगड़ते रहे, रिगड़ते रहे, रिगड़ रिगड़ कर दीवार को आईना बना दिया, मुकम्मल आईना बना दिया, कुछ मटेरियल नहीं लिया। चलिए सब वक्त आ गया, अब देखेंगे फाइनल में कौन जीता। बादशाह ने देखा इधर सब कुछ मौजूद और उसके बाद बादशाह ने जब बीच का पर्दा उठाया, बस बीच का पर्दा उठाना था कि जितना सामान उधर रखा हुआ उतना ही सामान उधर रखा हुआ। बादशाह हैरान रह गया कि इन्होंने तो कोई मटेरियल नहीं लिया, कोई चीज नहीं ली और जितना सामान इन्होंने बना, हालांकि खुफिया था, राहें मजदूर थी, बीच में आग, इन्होंने वो नहीं देखा, इन्होंने इनको नहीं देखा, बस क्या हुआ इन्होंने रिगड़ कर दीवार को ऐसा चमका दिया कि जितना सामान इधर रखा हुआ उतना ही उधर रखा हुआ। बादशाह हैरान हो गया, पूछा ये राज क्या है? उनका राज ये है, ये तो आपसे मटेरियल लेते रहे, हमने तो दीवार को देखा मिसले आईना बना दिया कि जो सामान इधर रखा हुआ ये सामान उधर रखा हुआ। माना रूम कहते हैं तू भी अल्लाह की जरब से अपने दिल को चमका ले, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करके अपने सब को चमका ले ताकि तजलियात अनवार इलाही का तेरा कल्ब जो है वो उसका मदर बन जाए, फिर वो तू सारी चीजें देखने लगा कि जो जो इधर की है या उधर की है वही नक्शा तेरे दिल का होगा, जैसा तूने औलिया कराम के वाकयात में सुना। मगर ये बात कह देना फायदे से खाली नहीं हो, भी याद रखिए हुजूर अलैहिस्सलाम हदीस शरीफ में एक दिन मुस्कुरा कर बहरा, ये मत समझिए कि जिक्रुल्लाह जो है फिर यही तक मंजिल है, मगर अल्लाह का जिक्र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उसमें जिक्र मुस्तफा ना मिलाया, जब तक जिक्र मुस्तफा उसमें मिलाया ना जा उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र मुकम्मल नहीं होगा। सहाबी कहते हुजूर बड़े खिलखिला के तशरीफ ला, मुस्कुरा के हमने सोच लिया आज कुछ हमें बिशारत मिलने वाली। फरमाया कि जिब्रील अमी तशरीफ लाए और उन्होंने मुझसे ये कहा अरे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि जिसने तुम पर एक मरतबे दुरूद शरीफ पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता। और फरमा सुनो जब कोई महफिल हमारे यहां बड़ी बड़ी रात रात भर की महफिल होते, मासियत की बात तो और, कहीं चबूतरे से हम बैठे होते, कहीं एहबाब में बैठे होते, सिवाय लतीफों सिवाय इधर उधर की बातों कुछ नहीं होता। फरमाया कि ये लोग अगर जन्नत में भी चले गए, जन्नत में भी चले गए तो जन्नत में जाने के बाद भी हसरत करेंगे काश कि हमने उस महफिल में अल्लाह का जिक्र किया होता, काश कि हमने उस महफिल में अल्लाह के रसूल पर दुरूद शरीफ भेजा होता। जन्नत में भी चले गए तो ऐसा होगा, इसलिए याद रखो कि लोग सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने लग गए और प्यारे मुस्तफा को छोड़ दिया और कहा इनसे हमें क्या गरज, माज़ल्ला किसी ने तो ये तक कह दिया कि हुजूर कैसे तैसी जैसे डाकिया होता कि डाक दिए और चले गए और बस डाक को पढ़ते रहिए, ये क्या मतलब कि डाक देने वाला कौन था माज़ल्ला। खूब याद रखो इरशाद बारी ताला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम आलमीन का रब, तमाम आलमीन का पालने वाला, लब याद रखे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम आलमीन का पालने वाला। और सरकार के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतलिल आलमीन, जहां जहां तक रब की रबूबियत है वहां वहां तक प्यारे मुस्तफा का जिक्र,
پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جدھر بھی دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو رہا۔ یہ تو ایک گھنٹہ اس میں اور چاہیے، مگر میں اختصار کے طور پر میں یہی کہتا ہوں کہ وہ بات جو اقبال جیسے دنیا دار آزاد منا شاعر نے سمجھ لی، بڑے بڑے صوفیوں کے سمجھ میں نہیں آئی۔ اقبال کہتا ہے کہ دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں، کوہسار پہاڑ کو کہتے ہیں، پہاڑ کی آرمی بھی اگر دیکھو تو ذکر مصطفیٰ ملے گا۔ دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بہر میں، موت کی آغوش میں، طوفان میں، چین کے شہر تو مرا اشک بیابان میں اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفانہ لکھا ذکر رکھ دے۔ کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو رہا۔ اور امام اہل سنت نے ڈاکٹر اقبال سے بڑھ کر کے بات کہی تھی، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عرش پر تازہ چھیڑ چھا، فرش پہ طرفہ دھوم تھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری داستان، کہیں بھی کان لگاؤ صرف ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی داستان۔ ذکر اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر مصطفیٰ اس میں شامل نہ ہو جائے۔ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ارے کہاں فلاح چاہ رہے، کہاں فلاح کو تلاش کر رہے، کیوں مارے مارے گھوم رہے ہو؟ اگر فلاح چاہتے ہو تو اللہ اس کے ذکر، اس کے رسول کے ذکر میں اور ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری میں فلاح۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے